Hello everyone, today we are going to make a very different story and let's call it A Lazy Crow. तो क्यों ना मैं साथ साथ आपको ये कहानी भी सुना दूं? तो चले शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसे है। एक कौवा एक नीम के पेड़ पर रहता था। वहां उसका बड़ा सुंदर घोंसला था। उसी पेड़ पर एक गिलहरी भी रहती थी। एक दिन उस छोटी सी गिलहरी ने कौवे से कहा, मित्र मित्र, क्यों ना इस बार हम खेती करके अपना अनाज खुद ही उगा लें, ताकि हमें भोजन के लिए किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत ना पड़े। गिलहरी बोली कि मेरे पास कुछ बीज पड़े हैं, चलो इनको चलकर बो आते हैं। इस बात पे कौवा बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। और आलसी कौवा वहीं बैठा रहा। फिर वो छोटी सी गिलहरी अकेले जाकर सारे बीज बो आई और कुछ दिन बाद कौवे के पास आकर बोली, मित्र मित्र, हमारे बीज बड़े हो गए हैं, फसल बन गए हैं, चलो चलकर फसल काट आते हैं। और वो आलसी कौवा फिर से बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। और वहीं बैठा रहा। और उस छोटी सी गिलहरी ने फिर से अकेले ही सारी फसल काट ली, फिर से गई कौवे के पास और बोली, मित्र मित्र, मैंने सारी फसल काट दी है, अब इसे आधा आधा बांट लेते हैं। और वो आलसी कौवा फिर से वही बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। और फिर से वहीं बैठा रहा। गिलहरी अपना आधा हिस्सा लेकर अपने घर चली गई और उस कौवे का आधा हिस्सा वहीं पड़ा रहा। और अगले ही दिन इतनी तेज आंधी और तूफान आए कि कौवे का सारा अनाज उसमें बह गया और वो आलसी कौवा वहीं डाल पर बैठा कांव कांव करता ही रह गया। तो इस कहानी से बच्चों हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें काम को उसके सही समय पर समाप्त कर देना चाहिए और आलस नहीं करना चाहिए। सो आई होप जितना आपको इस स्टोरी को सुनने में मज़ा आया होगा, उतना ही मज़ा आपको इसे बनाने में भी आएगा। सो मेक श्योर यू ड्रॉ दिस स्टोरी।